आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी। कम ऑयल में बनने वाली यह बहुत ही टेस्टी और मसालेदार रेसिपी है। इसे बनाने के लिए हमें ना तो किसी सांचे की या किसी मोल्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बिल्कुल सरल तरीके से बनाते हैं सिलेंडर इडली। और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए देख लेते हैं। हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और उसे बॉयल कर लिया है। हमने यहाँ 1 कटोरी दही लिया है और 1 कटोरी सूजी या रवा लेंगे। दोनों की क्वांटिटी हम सेम रखेंगे। हमने 1 कटोरी गाजर कटे हुए लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्च कट कर ली है। प्याज 1 कटोरी कटे हुए लिए हैं और करी के पत्ते लिए हैं। और सूखे मसालों में हमने 1 छोटा चम्मच सरसों लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच सांभर मसाला लिया है और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला लिया है। इसमें हमें इनो की भी जरूरत पड़ेगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हमने एक बोल में सूजी डाल दिया है। अब हम उसमें दही डालेंगे और दही डालने के बाद हम थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और उन सभी को अच्छे से हम मिला लेंगे। पूरी तरह से जब ये मिल जाएगी तब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका हम बैटर बना सकें। सिलेंडर इडली बनाने के लिए हमें इसका बैटर ना तो ज़्यादा थिन रखना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है, बिल्कुल इस तरह का बैटर बना के हमें तैयार कर लेना है। अब हम बैटर को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रेस्ट होने के लिए रख देंगे ताकि वह फूल जाए। अब हम इडली की स्टफिंग के लिए बॉयल आलू लेंगे और उनके छिलके उतार लेंगे। सभी आलूओं के छिलकों को हमने उतार लिया है। अब हम उसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 छोटा चम्मच नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार। थोड़ी सी लाल मिर्च की पाउडर डालेंगे। यह लाल मिर्च तीखी वाली नहीं है, इसे कलर के लिए हम डाल रहे हैं। इससे हमारे स्टफिंग की कलर बहुत अच्छे आएंगे। और इन सभी आलूओं को अच्छे से दबाते हुए हम इस तरह से मैश कर लेंगे। हमने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है और उसे गैस पर चढ़ा दिया है। पैन जब गर्म हो जाएगा तब उसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम उसमें जीरा और सरसों डालेंगे और जब वो दोनों चटकने लगेंगे तब हम उसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसके बाद हम उसमें कटे हुए प्याज भी डालेंगे और उसे अच्छे से चला लेंगे। धीरे धीरे उसे चलाते हुए धीमी आंच पर पकाएंगे। अब हम उसमें गाजर डालेंगे और उसे भी चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि सब्जी हमारी गल जाए और उसमें नमक का टेस्ट आ जाए। अब हम थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे, इससे उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। इसकी जगह पर आप धनिया के पत्ते भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला डालने से हमारी स्टफिंग और भी चटपटी हो जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। इसमें अब हम मैश किए हुए आलू डालेंगे और उसे अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इसे भूनने में हमें लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम में ही इसे धीरे धीरे करके हमें भूनना है। इस तरह से हमारी स्टफिंग अब बनकर रेडी है। इसे हमने एक बोल में निकाल कर ठंडा कर लिया है। इसे हम ऐसे बैटर के अंदर नहीं डालेंगे, हम इसके सिलेंडर का रोल बना लेंगे। इसे हाथों से रोल करते हुए सिलेंडर जैसा होता है वैसा ही रोल बना लेंगे। हमने एक रोल बना लिया है।
इसी तरह से हम सारे रोल को भी रेडी कर लेंगे और कम से कम 10-15 मिनट फ्रिज में रखकर सेट कर लेंगे। सिलेंडर इडली बनाने के लिए हमें किसी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, बस अपने घर में रखे हुए जो ग्लासेस हैं उसमें ही हम ऑयल लगा के उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें हमने ऑयल इसलिए लगाया है ताकि हमारी सिलेंडर इडली आसानी से बाहर निकल जाए। अब हमने जो बैटर बना के रखा था हम उसे देख लेते हैं। देखिए हमारी सूजी पूरी तरह से फूल गई है। अब हम उसमें इनो डालेंगे। हमने लगभग 1.5 पाउच इनो डाला है। इनो डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे एक तरफ करते हुए इस तरह से मिलाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं मिलाना है। अब हमने जो ग्लास ग्रीस करके रखे हुए थे उसमें आधा ग्लास हम बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद हमने जो सिलेंडर बना के रखे थे उसे उसके ऊपर डालकर सेट कर देंगे। अब उसके ऊपर से हम थोड़े से और बैटर डालेंगे। हमने ग्लासों में बैटर डाल दिया है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेकर उसमें पानी डाल देंगे और उसे गर्म कर लेंगे और उसमें एक स्टैंड डालकर उसके ऊपर से हम अपने सभी ग्लासेस को रख देंगे और उसमें ढक्कन लगा देंगे ताकि वह अच्छे से स्टीम हो जाए। 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पर स्टीम करने के बाद हम इसे निकाल कर देख लेंगे। हमारे सिलेंडर बनके रेडी हैं। देखिए ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। ठंडे हो जाने के बाद ये ग्लास के किनारे छोड़ देते हैं। देखिए ये बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसे चाकू की मदद से चारों तरफ से घुमाते हुए इसे डीमोल्ड करेंगे। देखिए ये इजीली निकल गया है। यह बिल्कुल सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है। यह बिल्कुल सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। इसी तरह से हमने तीनों निकाल लिए हैं। अब इसे फ्राई करने के लिए हमने एक पैन लिया है और पैन को गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद उसमें हमने एक बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है। तेल जब गर्म हो गया तब उसमें एक छोटा चम्मच सरसों और जीरा डालेंगे और जब वो चटकने लगेगा तब उसमें कड़ी के पत्ते डाल देंगे। कड़ी के पत्ते डालने के बाद हम उसमें सांभर मसाला डालेंगे और उसे थोड़ा चला लेंगे। सांभर मसाला डालने के बाद हम कलर के लिए लाल मिर्च डालेंगे ताकि उसका कलर और अच्छा दिखे। अब हम उसमें अपने बनाए हुए इडली के सिलेंडर डाल देंगे और सिलेंडर को चारों तरफ से घुमाते हुए मसालों की उसमें कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे एक सिलेंडर बनकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह हम सारे सिलेंडर भी बनाकर रेडी कर लेंगे। अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप की तरफ और इसे कट करके देख लेते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है। देखिए हमने इसे कट कर लिया है और एक सर्विंग ट्रे लेंगे और सिलेंडर के सारे स्लाइसेस को रखकर सजाएंगे। हमने इसे टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। इजी इडली बनाने का यह बिल्कुल यूनिक तरीका है। मेरे घर में यह इडली सभी को पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी यह इडली ज़रूर पसंद आएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।